गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का ईवीएस के। हमने चैप्टर की रीडिंग लगाई थी, वो चैप्टर था 7 और इसका कुछ पार्ट बचा हुआ था, सो आज हम लोग उसे पढ़ेंगे और इसके एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, पेज नंबर 49 है चैप्टर 7, लिटिल फ्रेंड्स अराउंड अस। Some animals live in water. कुछ जानवर क्या होते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा वो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, और जो कुछ जानवर जो उड़ भी सकते हैं, ठीक है, इंसेक्ट जो होते हैं जिनके पास विंग्स होते हैं तो वो उड़ भी सकते हैं। और अब हम लोग कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं। ठीक है, टर्टोइज एंड क्रैब आर फाउंड इन सी एंड इन फ्रेश वाटर्स। टर्टोइज और क्रैब जो हैं ये किस में कहाँ पाए जाते हैं, सी में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, जैसे रिवर्स में या पॉन्ड्स में, नदी में भी रहते हैं और जो तालाब होते हैं उसमें भी ये रहते हैं। ठीक है, टर्टोइज और क्रैब। फ्रॉग्स आर फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर। फ्रॉग्स कहाँ रहते हैं, सिर्फ फ्रेश वाटर में रहते हैं। स्टार फिश इज़ फाउंड इन सी, और स्टार फिश कहाँ पाई जाती है, सी में। ठीक है, स्टार फिश कहाँ मिलती है, हमें सी में देखने को मिलती है। ठीक है, क्रैब टर्टोइज एंड फ्रॉग लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। क्रैब टर्टोइज और फ्रॉग ये लोग ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। ठीक है, मीन्स जलस्थलीय, इसका मतलब होता है कि ऐसे जानवर जो कि ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। ओके, एनिमल्स लाइक रैबिट, रैट, स्नेक, मंगूज एंड सम इंसेक्ट्स लिव इन होल्स मेड इन ग्राउंड। जानवर जैसे कि रैबिट हो गया, रैट हो गए, स्नेक हो गया, मंगूज हो गया, और कुछ ऐसे इंसेक्ट जो कि होल्स में भी रहते हैं, वो होल्स कहाँ पर होती है, ज़मीन में होती है। ठीक है, तो जो जानवर होल्स में रहते हैं जैसे कि रैट हो गया, स्नेक हो गया, वो कहाँ पर रहते हैं, उनका घर कहाँ होता है, होल्स में होता है। ठीक है, हनी बीज एंड बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। हनी बीज और जो बर्ड्स होती हैं, मधुमक्खी और जो चिड़ियाँ होती हैं, वो कहाँ रहती हैं, पेड़ों पर रहती हैं। ठीक है, मे फ्लाइज एंड स्टोन फ्लाइज आर वाटर इंसेक्ट। मे फ्लाइज और स्टोन फ्लाइज क्या होती हैं, वाटर इंसेक्ट्स होती हैं। देयर आर मेनी एनिमल्स दैट लिव इन जंगल्स एंड फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं जो कि जंगल में रहते हैं और फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉर देयर सेक वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, तो इनके लिए हमें फॉरेस्ट जो है, जो जंगल है, उन्हें ख़त्म नहीं करना चाहिए इनके लिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग कहाँ रहते हैं, इनका घर वहीं होता है। ठीक है, ऑल्सो डू नॉट पॉल्यूट द वाटर बॉडीज़, और जो वाटर बॉडीज़ होते हैं जैसे रिवर, पॉन्ड, सी, जितने भी वाटर बॉडीज़ होते हैं उन्हें भी हमें पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जानवर पानी में रहने वाले जानवर है, अगर हम लोग प्रदूषण मीन्स पॉल्यूट करेंगे पानी को, तो जो जानवर उसमें रहते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। द एनिमल्स दैट लिव इन विल डाई, जो जानवर पानी वाले होते हैं अगर पानी गंदा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, जानवर मर जाएंगे। ठीक है, वी शुड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाटर एज दे आर द शेल्टर ऑफ आवर मेनी लिटिल फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट और वाटर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दोस्त हैं छोटे छोटे, उनका क्या है, वो घर है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, इसीलिए फॉरेस्ट को, पानी को बचा के रखना चाहिए। ठीक है, सो ये चैप्टर की रीडिंग तो हमने कर ली है, और फिर आप लोग इसे रीड करिए और हार्ड वर्क करिएगा इसका। हम लोग अब इसके एक्सरसाइज को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इन टू 3 parts, 4 parts, 5 parts। इसका आंसर है 3 parts। ठीक है, एंड्स आर कंसिडर्ड एज द मैसेंजर ऑफ गॉड इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। इसका आंसर है अफ्रीका। डेंगू एंड मलेरिया आर स्प्रेड बाई मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज या कॉकरोच। इसका आंसर है मॉस्किटोज। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट, हनी बी, बटरफ्लाई या एंट? का आंसर है बटरफ्लाई. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे. इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स, इसका आंसर है सिक्स लेग्स. ठीक है, कॉकरोचेज कम आउट ऑफ द हाइडिंग प्लेस एट नाइट. ठीक है, टर्माइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड वाइट एंट्स. डैश आर लॉन्ग थिन एंड बोनलेस क्रिएचर, वॉर्म्स आर लॉन्ग थिन एंड बोनलेस क्रिएचर. ठीक है, वॉर्म्स आर लॉन्ग थिन एंड बोनलेस क्रिएचर. एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एमिफिबियंस. ठीक है, पहले हम लोग ये कर लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स हम लोग बाद में करेंगे. सबसे पहले गिव टू एग्जांपल्स कर लेते हैं. मीन्स ये जो चीज़ें दी हुई हैं इसके दो दो एग्जांपल्स लिखने हैं. ठीक है, इंसेक्ट लिविंग इन कॉलोनीज, टर्माइट्स, एंट्स. ठीक है, इंसेक्ट्स दैट कैरी डर्ट एंड जर्म्स, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज. ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन सी, टॉर्टोइज, क्रैब. ओके, एनिमल्स दैट लिव इन होल्स, रैट, स्नेक. ओके, और हम लोग इससे क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है,